यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत मामूली विवाद के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है, जिसमें तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में 12 अप्रैल को जानकारी मिली कि गैस गोडाउन के पीछे बंदनवाज नगर में आपस में हुए विवाद में एक युवक पर धारदार शस्त्र से हमला कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जख्मी बंदनवाज नगर शहबाज अंसारी उम्र 22 वर्ष को मेयो अस्पताल पहुंचाया। फरियादी एजाज खान की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में फैजान खान उम्र 21 वर्ष, अभय तिवारी उम्र 21 वर्ष, सोहेल अंसारी उम्र 22 वर्ष के खिलाफ धारा 307, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एजाज खान और फैजान के बीच दो गुटों के बीच हो रहे झगड़े में शहबाज अंसारी पर उपरोक्त तीनों आरोपियों ने हमला कर जख्मी कर दिया। इस मामले में पुलिस अधिक जांच कर रही है। दिनांक 12/4/2023 रोजी एक कॉल प्राप्त झाला होता की बंदनवाज नगर गैस गोडाउनच्या जवळ एका व्यक्तीला चाकू मारलेला आहे। त्या ठिकाणी तत्काळ घटनास्थळाला भेट देऊन जखमीला मेहो येथे नातेवाईकांनी दाखल केले होते। मेहोला भेट देऊन आरोपीची माहिती घेतली आणि त्याप्रमाणे आरोपीची माहिती प्राप्त झाल्याने आरोपीला डीपी पथकाच्या मार्फतने तत्काळ ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। या गुन्ह्यामध्ये शहबाज अन्सारी हा जखमी होता। जखमी सध्या मेहो येथे उपचार घेत आहे आणि सदर गुन्ह्यातील आरोपी अभय तिवारी, फैजान खान आणि सोहेल खान हे तीन आरोपी यांना डीपी पथकाच्या मदतीने एपीआर कनाकी आणि एपीआर मोटेचे पथक यांच्या मदतीने ताब्यात घेतले आहे आणि सध्या आरोपी अटक आहेत। एनबीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।